नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना ने पिछले साल भारत में दस्तक दी थी, जिसके बाद से इसके मामले ऐसी तीव्रता से बढ़े कि लोगों के सामने खाने पीने की समस्या तक उत्पन्न हो गई। हालांकि कोरोना काल में लोगों की नौकरी छूटने और काम नहीं मिलने की समस्या को समझते हुए ही भारत सरकार की तरफ से कमजोर वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो मुफ्त अनाज मुहैया करवाने का काम किया जा रहा था। हालांकि कोरोना के मामलों में आई कमी के साथ ही सरकार ने इस योजना को धीमी गति से चलाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद क्या था, कोरोना की दूसरी लहर ने अपना प्रकोप बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद देश को एक और लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। साथ ही लाखों लोगों की नौकरी गई और खाने पीने की समस्या एक बार फिर से उत्पन्न हो गई, जिसको ही ध्यान में रखते हुए सरकार ने गरीब और कमजोर तबके के लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। यानी कि ऐसे लोगों को अब 5 किलो खाद्यान्न राशन मुफ्त में नवम्बर महीने तक मिलने वाला है। हालांकि सरकार के इस योजना से करोड़ों गरीब परिवार को फायदा होगा, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आज हम आपको ऐसे तरीके के बारे में भी बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे राशन कार्ड बनवाने का काम कर सकते हैं। राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, बिहार के रहने वाले hindiyojana.in/apply-rashan-card-bihar पर क्लिक करें, आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद आप यहां से आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा। अब आप पंचायतों से भी फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म से मांगी गई सभी जानकारी सही से भरना पड़ेगा। अब आप अपना और परिवार के सभी सदस्य का नाम भरे, सभी सदस्य के फोटो लगाए, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी दे। फॉर्म के अंतिम चरण में शपथ पत्र भरना ना भूले। इसके साथ ही आपको राशन कार्ड बनवाने के लिए कई तरह के दस्तावेज की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके तहत आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, सरकारी बैंक में खाता, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई अन्य आईडी कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई एक तो आपके पास होना जरूरी है। अगर ये है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण पत्र के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलीफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, रेंटल एग्रीमेंट जैसे डॉक्यूमेंट भी लगेंगे। जिसके बाद राशन कार्ड बनाने के लिए सभी प्रकार की वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद अमूमन 30 दिन लग जाते हैं। अगर सब ठीक रहा तो 30 दिन बाद आपको राशन कार्ड मिल जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन से व्यक्ति राशन कार्ड बनवाने के लिए योग्य माने जाएंगे, जिसके तहत भारत का नागरिक ही राशन कार्ड बनवा सकता है। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए पुराना राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। जिसके नाम पर राशन कार्ड बनेगा उसकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता पिता के राशन कार्ड में ही शामिल किया जाता है। परिवार के मुखिया के नाम पर ही राशन कार्ड बनता है। राशन कार्ड में नाम शामिल होने के लिए परिवार के मुखिया से नजदीकी संबंध होना जरूरी है। अगर आप भी इस सभी मानकों पर फिट बैठते हैं तो आप भी आसानी से अब अपना राशन कार्ड घर बैठे बैठे बनवा सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।